सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें सहनशील होना चाहिए, तितिक्षवा, सहनशील। मैया जी, जिसे भगवान को प्राप्त करना है ना, उसे क्या होना पड़ता है? भगवान तब मिले। देखिए, पहली शर्त है सहनशील बनना पड़ेगा। मीराबाई भगवान का भजन करती थी तो ससुर जी क्या कहते थे? ये तो चरित्र से गिर गई है। मीरा के चरित्र पर उंगलियां उठाते थे कि नहीं ससुर जी? जहर देते थे कि नहीं ससुर जी? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। क्या अर्थ है? जब आप भगवान को पाने के लिए जब आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे ना, तो आपको सहनशील होना पड़ेगा। क्योंकि लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, किस किस का जवाब देते फिरोगे, और जवाब देने में उलझ गए तो फिर भगवान तक पहुंचोगे कैसे? इसलिए कोई तुम्हें भला कहे तो राम राम, बुरा कहे तो राम राम। ना भलाई में उलझ जाना, ना बुराई में उलझ जाना, भगवान की तरफ बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। मीराबाई को जहर मिला सो पी लिया, मरूंगी और इससे ज्यादा क्या होगा? चरित्र से हीन कहा लोगों ने, सुन लिया, कोई बात नहीं। सहनशील मीरा के अंदर थी, सहनशीलता थी। हमें भी यदि भगवान को पाना है तो सहनशील बनना पड़ेगा, और नहीं पाना तो फिर नहीं बनना पड़ेगा। भाई, जिसे पास होना है उसे एग्जाम तो देना पड़ेगा। दसवीं पास होना है तो एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब जिसे दसवीं पास, जिसे पढ़ने नहीं तो काहे का एग्जाम? जिसे दसवीं पास होना ही नहीं, उसे एग्जाम क्यों देना पड़ेगा? जिसे पास होना है उसे तो, उसी प्रकार जिसे भगवान की प्राप्ति करना है उसे सहनशील बनना पड़ेगा। ये शर्त है कि सहनशील बनोगे तो भगवान का दर्शन होगा। हाँ, सहनशील बन जाइए। तितिक्षवा कारुणिका, हृदय में करुणा हो सबके प्रति, कोई नफरत ना हो। आप हमें गालियां दें तो भी हम आपके बारे में गलत ना सोचें। क्या करना हमें आपके बारे में गलत सोच के? भाई, आपने हमें गालियां दी वो आपका परिचय था, अब हम आपको जो कहेंगे वो हमारा परिचय होगा, तो हम अपना परिचय क्यों बिगाड़ें? आपने हमें गालियां दे दी तो वो परिचय किसका था? आपका है ना, कि आपके भीतर गालियां भरी हैं, सो आप हमें गाली दे के चले गए। अब हम आपको गालियां देने लग जाएंगे तो हमारे भीतर भी गालियां हैं। मतलब हमें उलझना नहीं, सुलझना। हृदय में करुणा हो सबके प्रति। हमने सुना था कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि एक महात्मा जी थे, वो अपने यहां झाड़ू भी नहीं लगाते थे, जंगल में रहते थे पेड़ की छांव में, और जहां जाकर बैठते थे तो झाड़ू भी नहीं लगाते थे। वो झाड़ू इसलिए नहीं लगाते थे कि किसी पत्ते के नीचे चींटी है तो हम क्यों उसे भगाएं, उसे रहने दो। जहां वो सोते थे तो सांप बिच्छू सब आ जाते थे, पर वो किसी को मारते नहीं थे, किसी को भगाते नहीं थे। आपको देखो, जब भगवान में मन लगाना होगा ना, भगवान को पाना होगा, तो आपको ऐसा ही बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को पाने के लिए ऐसा बनना पड़ेगा, सहनशील, हृदय में सबके प्रति करुणा और सम व्यवहार। जो व्यवहार हम आपके साथ करें वही व्यवहार सबके साथ करें। चींटी के साथ भी अच्छा व्यवहार, किसी दुश्मन, कोई हमें, कोई हमारा सिर काटने आए तलवार लेके, बोले हमें तुम्हारा सिर काटना है, तो भी आप उसके साथ गलत व्यवहार ना कीजिएगा। चल भाई, यदि मेरे सिर काटने से तेरा भला हो रहा है तो चल सिर भी काट ले मेरा। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया कि नहीं? दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया या नहीं, बताओ? किया ना? अपने शरीर पर खाद्य पदार्थ लगा के चटवाए शरीर को, और
उस हड्डी से वज्र बना जिससे वृत्तासुर को मारा देवराज इंद्र ने। तो परमार्थ के लिए यदि मेरा गला भी चाहिए हो तो ले लीजिएगा। जब भगवान में मन लगाया है, जब भगवान पर विश्वास किया है, तो फिर जिंदगी तू बचाना चाहे तो बचा, तू मारना चाहे तो। अब तो मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो जीरो हो गया, मेरा तो कुछ भी बचा नहीं ना, अस्तित्व समाप्त कर दिया मैंने अपना। और भगवान तब मिलते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो ना समाए। जब तक वो था, जब तक मैं था तब तक वो नहीं, अब वो है तो मैं नहीं। अपने आप को मिटा दो, अपनी मर्जी ही ना रहे, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले राम, मैं तो तेरी मर्जी। तू चाहे तो मेरी गर्दन कटा दे और तू चाहे तो मुझे जीवित रख, मर्जी तेरी है। मैं अपनी मर्जी से ना मरना चाहता ना अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहता। तू जो कर, जो करा, जो दे, वो तेरी मर्जी है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सुहृदहा सर्वदेहिना, सब में ईश्वर का दर्शन करो। सर्वदेहिना अजात शत्रु, वह आप किसी को दुश्मन ना माने, शांता बिल्कुल शांत रहा करो। कोई 1 करोड़ गालियां आपके पास बैठकर आपको दे जाए तो भी आपकी उन गालियों से आपकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। इतना सहनशील बनाओ अपने आप को, बनाओ, कोशिश करो, अभ्यास करो सहनशील बनने का, बन जाओगे आप। अभ्यास करो, शांत बिल्कुल शांत, साधवा साधु भूषण, यही गुण साधुओं के आभूषण है, यही मेरी माँ हमारा आभूषण क्या है। मैया जी आपका आभूषण क्या है बोलो। मैया जी, ओ मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? मंगलसूत्र आपका आभूषण है, आपका भगवान से प्रेम आपका आभूषण है, आपकी सहनशीलता आपका आभूषण है, आपकी शांति आपका आभूषण है। आप सबका भला चाहें, सब में ईश्वर को देखें, यह भाव ही आपका आभूषण है। अब सोने चांदी के आभूषण जैसे मीराबाई ने उतार दिए, बुढ़ापा आ जाए तो अपने आप को सोने चांदी से ना सजाया करो, अपने आप को भगवान की भक्ति से सजा लिया करो, भगवान के प्रेम से सजा लिया करो। सहनशीलता ही आभूषण है अब आपका, परमार्थ ही आभूषण है अब आपका, पर सेवा ही आभूषण है अब आपका। अब आप सोने चांदी से मत सजाओ अपने आप को। हाँ, भगवान की मीरा का आभूषण क्या था? मीरा का आभूषण था उसके भीतर भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेम ही उसका सबसे बड़ा आभूषण था। और देखो उसने ऐसा आभूषण पहना कि आज तक हम उसे याद करते हैं, और आप लोग सोना चांदी लटकाए घूमते हैं, कोई नहीं जानता आपको। आभूषण भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा आभूषण है। सहनशील बन जाओ, सारे सद्गुण आपके भीतर आ जाएं, बस यही आपके आभूषण है और यही आपका सुखमय जीवन है। मेरी एक भी बात आपने हृदयंगम कर ली, हृदय में उतार ली, तो मुझे विश्वास है कि आप इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, इन्हीं आंखों से भगवान को देख लेंगे। सेवा ही हमारा आभूषण है।